पहले मैंने आपको हर एक गतिविधि के बारे में आपको दिखाया कि किस तरह श्रुत झा, जो कि समाज हित के लिए बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, उनकी नेतृत्व में सारी टीम मुस्तैदी के साथ खड़ी थी और एक एक लोगों को बारी बारी से हुए पैकेट प्रदान कर रहे थे, जरूरतमंद के लोगों को, जो कि एक बहुत बड़ा नेक कार्य है, जो कि इस 135 करोड़ की आबादी में अगर हर एक लोग छोटा सा प्रयास, छोटा सा योगदान दे दे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश को आर्थिक तंगी होगी, इकोनॉमिक रिसेशन होगा। और अगर श्रुत झा जैसे लोग हर एक समाज में हो तो कभी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। चलिए हम सीधे हम उनसे आपको परिचय कराते हैं। श्रुत झा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टीवी दर्शन में। और कैसा लगता है सर कि आपके नेतृत्व में सारी टीम यहाँ पे हैं और आप करीब कई दिनों से ये कार्य कर रहे हैं, लॉकडाउन से काफ़ी लोगों को परेशानी से सामना करना पड़ रहा है और ये लगभग 21 दिन का रखा गया है, जिसमें खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास पैसों की तंगी होती है, आर्थिक रूप से वे मजबूत नहीं होते हैं, किस तरह से सहयोग प्रदान कर रहे हैं और आपको कैसा लगता है? सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो आदर्श मानव सेवा संस्थान के बैनर तले हमारे सूरज झा की टीम के सभी सदस्यगण पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं और आप देख ही रहे हैं जो हमारा ये तीसरा दिन सेवा जारी है और ये सेवा लगातार 15 अप्रैल तक चलता रहेगा। यानी जब तक लॉकडाउन है तब तक आप ये सेवा जारी रखेंगे? निश्चित तौर पर। और सर मैं ये पूछना चाहूँ कि हर एक तबके के लोगों को आगे आना चाहिए इस नेक कार्य करने में, और खासकर जो जैसे सफाई कर्मी भी, नगर निगम के कुछ सफाई कर्मी भी, जैसा कि मैंने देखा कि वो भी यहाँ पे आए और प्रत्येक दिन रोज़ाना यहाँ पे आते हैं और अपने भोजन पूर्ति करते हैं, तो किस तरह से सारी व्यवस्थाओं को आप जुटाते हैं, कैसे करते हैं आप इशारा का? देखिए हमारे टीम में सारे युवा बुजुर्ग और नवयुवक सब लगे हुए हैं। हमारे टीम में हमारे गार्जियन स्वरूप श्री उदय प्रकाश जी है, मनोज पांडे जी हैं, श्री ललित झा जी हैं, श्री सुभाष चंद्र झा जी हैं, श्री नमो नारायण जी हैं, संतोष वलियासे जी हैं। हमारे टीम पूरे तरह से चुस्त दुरुस्त है और हमको इस टीम पर पूरा भरोसा है। हम लोग को कुछ मेहनत भी नहीं करना पड़ा, ये सारे टीम अपने खुद ब खुद सारे काम कर लेते हैं जी। आपकी बहुत बड़ी टीम है सर, और मैंने काफ़ी लोगों को, हर एक लोगों को देखा कि काफ़ी बिजी थे, काफ़ी वे बारीकी से कामों को अंजाम दे रहे थे, तो इसके साथ कुछ एहतियातन भी बरतना पड़ता चूँकि कोरोना वायरस को लेकर के अपनी भी प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी, तो आप इस चीज़ को कैसे बरतते थे, एहतियातन को किस तरह से बरतते थे, आप लोगों को किस तरह से ये संदेश देते थे? अभी तो आपने देखा जो प्रत्येक आदमी को हम लोग 3 से 4 फुट की दूरी पर रखते हैं, प्लस हमारे जितने भी कार्यकर्ता सब मास्क और हैंड लगा के काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हम एक साथ भीड़ आने नहीं देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके गेट के अंदर में प्रवेश कराते हैं, फिर उन लोग को देख के फिर दूसरे टीम को हम लोग बुलाते हैं जी। पूछना चाहूँगा कि आप में से एक सदस्य ने जिन्होंने बताया कि लगभग 500 लोगों का अभी तक खाना पूर्ति हो चुका है, उन लोगों को ये सारे जो भोजन का व्यवस्था करवा दिए हैं, और आने वाले समय में जैसा कि आपने कहा कि 15 अप्रैल तक ये जारी रहेगा, तो अगर संख्या बढ़ेगी तो उसके लिए आप किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों के लिए किस तरह से वो सारी भोजन की उपलब्धता कर रहे हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े? सबसे पहले पहला दिन तो 500 के लगभग आदमी आया और धीरे धीरे जब खाना का स्वाद टेस्ट देखा, क्वालिटी देखा, तो मोटा मोटी दूसरे दिन 700 से 800 हो गया और आज उम्मीद है हमको 1000 से ऊपर हो जाएगा। और इसके लिए हमारे जो सारे सदस्यगण है सबका सहयोग है, जैसे ललित झा जी का उनका 11,000 है, श्री सुभाष चंद्र झा जी का है इनका 6,100 है, श्री के झा जी है इनका सहयोग 5,100 रुपया है, इसी तरह नमो नारायण जी है इनका सहयोग 4,100 रुपया है, और हमारे जो डॉक्टर साहब है राजीव पांडे जी उनके तरफ से एक कुंटल आटा, एक टिन तेल और एक टिन रिफाइन अभी तुरंत भेजवा दिया गया जी। यानी हर एक लोगों का एक ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, कुछ ना कुछ योगदान है ताकि समाज के हित के लिए एक नेक कार्य किया जा सके। और आप बाकी जो लोग हैं उनको आप किस तरह से जोड़ना चाहेंगे अगर आने वाले समय में संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे कि आपने कहा कि पहले दिन 500, 700,
उसके बाद 1000, अगर संख्या और बढ़ेगी तो आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये सेवा भाव देख के यहाँ का जनता जागरूक है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जगह से बहुत बार फोन आ रहा है, भैया हम ये भेज देते हैं, भैया हम ये भेज देते हैं, इसलिए हमको दिक्कत नहीं होगा। अच्छे काम करने में देवघर में दिक्कत नहीं होती है, ये देवों की नगरी है, यहाँ बाबा भोलेनाथ खुद काम अपने आप करवा लेते हैं। जी। और सर, आप चूँकि समाज हित के लिए बहुत ही नेक काम कर कार्य करते हैं और समाज में आपकी एक नई पहचान है, और बाकी जो देवघर में बाकी जो लोग हैं, बाकी ऐसे लोग हैं जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, संबल हैं, और उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें भी समाज के हित के लिए कुछ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि बहुत ऐसे लोग हैं लॉकडाउन में घर में बैठे रहते हैं, इससे अच्छा है कि हम कुछ नई गतिविधि समाज के हित के लिए करें, तो उससे हमारा दिल भी मन भी बहल जाता है और साथ ही साथ समाज के लिए कुछ नेक कार्य भी हो जाते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश दे या न दे, लेकिन समाज के हमारे सभी तबके के लोग, चाहे अमीर हो गरीब हो, तन मन धन से लगे हुए हैं। देखते हैं कहीं चावल बट रहा है, कहीं दाल बट रहा है, कहीं आटा बट रहा है, सब जगह आप देखते ही होंगे। जी। और एक प्रश्न जो कहना चाहें पूछना चाहें कि देवघर में जो सफाई कर्मी है, जो नगर निगम के तरफ से जो सफाई कर्मी है, जो जब हम घर में आराम से रहते हैं तब वो सफाई करते हैं, देवघर को स्वच्छ बनाने में लगे रहते हैं, अपनी अपनी जान को जोखिम डालकर, क्योंकि वायरस का भी एक डर रहता है कि ऐसी परिस्थिति में हम जब सफाई करते हैं तो उसका भी खतरा रहता है, लेकिन उसके बावजूद हुए देवघर को स्वच्छ रखते हैं, हाइजीन की पूरी व्यवस्था करते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो सफाई कर्मी है, जो अपना जान जोखिम में देकर सफाई कर रहे हैं, उसको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे बड़े भाई जो टुल्लू दा है, वो भी पूरे मन से सफाई कर्मी के साथ दिन भर जान जोखिम देके पूरे नगर निगम को सफाई करवाना चाहते हैं, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस समय भी पूरे तन मन से पूरे नगर निगम क्षेत्र में काम करवा रहे हैं। जी। सबों से मैं कहना चाहूँगा कि चूंकि कोरोना वायरस COVID-19 जो कि पूरे देश में एक महामारी का रूप ले चुका है, और आप ये इसके बारे में भलीभांति जानते हैं, हम इतना ही कहना चाहिए कि सबसे पहले एहतियातन बरतने की कोशिश करें, जो कि यहाँ की जो टीम है सूरज झा के नेतृत्व में, जो सारी टीम यहाँ पे पूरे तन मन के साथ लगी हुई थी, उनके द्वारा जो एक संदेश आप सबों को दिया गया, आप उनको सुने समझे और आत्मसात करने की कोशिश करें, क्योंकि कोरोना वायरस से हम तभी निपट पाएंगे जब आप घर में मुस्तैदी के साथ बैठे रहेंगे। इस लड़ाई में आप कोरोना वायरस को हराने का बस एक ही विकल्प है, वो विकल्प है आपको घर में बने रहना होगा, बिना वजह आप बाहर नहीं निकले, यही हम कहना चाहेंगे। और समाज के हित के लिए कुछ बड़े तबके के लोग जो हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होती है, कुछ न कुछ सहयोग जरूर प्रदान करिए आप। जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, खाने के लिए भोजन नहीं होते हैं, आप उन्हें जरूर से जरूर सहायता प्रदान करें, ताकि वे खुश रहे और प्रसन्न रहे, तब के लिए हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं दीपेश कन और मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले कार्यक्रम में फिर कुछ और नई रोचक मैं कार्यक्रम में आपसे मैं परिचय करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।